आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। तहसील अदमातपुर के अमलखेड़ा में प्राचीन शिव मंदिर पर वर्षों से खुले में रखे राम सीता की मूर्ति के लिए वर्षों बाद मंदिर निर्माण शुरू हुआ है। जैसे अयोध्या में वर्षों बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं बिल्कुल, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो आपने 23 वर्ष कहा, तो 23 वर्ष जो संघर्ष चला, 23 ही वर्ष नहीं, हजारों वर्ष संघर्ष हुआ, और आज जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये उन बाबर की औलादों के मुंह पर करारा जवाब है, तमाचा है, जो लोग चाहते हैं कि इस देश में भगवान राम का मंदिर न बने, तो उनके मुंह पर ये करारा जवाब है। और ऐसा जवाब ये एक बार नहीं, बार बार इन बाबरों की औलादों को मिलना चाहिए, क्योंकि क्योंकि यह देश राम का है, किसी बाबर और लुटेरे डकैत का नहीं है। पहली बात ये की है, और दूसरी एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँ, जैसा आपने कहा अवलखेड़ा में भगवान श्री राम का भव्य जो मंदिर यहाँ पर निर्माण कार्य होने वाला है, यह जागरूकता है अपने धर्म के प्रति। लोगों को जो है, आज क्या हो गया, रोटी कपड़ा पैसा मकान के सिवा कुछ सोचता नहीं है, और इस गांव के लोग जो है इतने जागरूक हैं, और गांव के प्रधान जी जो इतने जागरूक होकर कार्य करते हैं धर्म के लिए, जैसे कि पहले भी हमने ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजन देखे हैं जो प्रधान जी ने और गांव के सभी लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से कार्य किया, तो ये बहुत ही प्रशंसा का योग्य है, बहुत ही प्रशंसा करने का कार्य। वहीं अवलखेड़ा के प्राचीन शिव मंदिर पर श्री राम मंदिर की स्थापना विश्व हिंदू युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत नवल बिहारी शरण महाराज, राजकुमार वर्मा, प्रधानपति बंटी चौहान, जिला पंचायत सदस्य ओमवीर सिंह चौहान, सीताराम महेश्वरी ग्रीस उर्फ भोले महेश्वरी, बिजन सिंह चौहान, लाला परमार, पिंकी धाकरे मौजूद रहे। सी न्यूज के लिए अवलखेड़ा से आजाद की रिपोर्ट।